मेरे को चुड़ैल मिली है। हाँ जी, मेरे गुरु टाइप हैं इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। लोग इनसे रैंडमली मेरे बारे में अच्छी बातें पूछते हैं। अभी भी वो मुकाम पे नहीं हूँ जो मैंने सोचा था। ऐसे बहुत सारे को एक्टर्स हैं जिनके साथ, मतलब नॉट दैट मेरी बनी नहीं, बट देर इज नॉट लाइक एनी अदर बॉन्ड एक्सेप्ट फॉर बींग जस्ट को एक्टर्स। आई फील कि जैसी कॉमेडी, ह्यूमर एंड फैमिली एंटरटेनर पंजाब बनाता है वो कोई और नहीं बनाता। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today we are sitting with the two multi-talented actors, Gippy Garewal and Sagun Mehta. Hi guys, welcome to Bollywood Now. Hello. Thank you so much. Thank you. कैसे हो आप दोनों सबसे पहले? बहुत अच्छे हैं जी, बहुत तगड़े कर रहे हैं, तगड़े हैं। कुछ सवाल है जो आप लोगों ने जब पिक्चर्स डाले थे आप दोनों के और वीडियोस डाले थे, जिन कुछ फैंस के कमेंट्स हैं, मैं वो उससे पहले स्टार्ट करूंगी, ठीक है? बहुत प्यारे कमेंट्स हैं। गिप्पी गरेवाल इज रूलिंग इंडस्ट्री। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, ये तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, जीता रहे बंदा। किसी ने कॉमेंट की थी, भाई सगुन और गिप्पी कुछ ऐसा है जो नहीं कर सकते हो आप दोनों? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, गा सकती हूँ, नाच सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ। सी आपके लिए था, पता नहीं कोई इतना प्यारा कैसे लग सकता है। अरे मेरे लिए भाई, ये कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए क्यों आ रहे हैं? आपके सोशल मीडिया के पोस्ट पे हो सकते हैं यार, हो सकते हैं। क्यों जेलस? कोई होगा ऐसा, कोई जलन क्यों हो रही है आपको? बट मैं आपकी मूवी के बारे पे आती हूँ अब, जट्टू चुड़ैल टकरी। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि इस पूरे टाइटल का मीनिंग क्या है हमारे ऑडियंस के लिए? मेरे को चुड़ैल मिली है। हाँ जी, चुड़ैल के साथ पाला पड़ा है। हाँ, पाला पड़ा होता ना कि जट के, जट का चुड़ैल के साथ पाला पड़ गया, लाइक बस पाला पड़ गया। कभी अब पाला पड़ गया को और हिंदी कैसे समझे? कई लोगों को बीवी के रूप में चुड़ैल मिलती है, तो मेरे को चुड़ैल के रूप में बीवी मिली है। तो सगुन चुड़ैल है, मतलब सरगुन चुड़ैल है, सरगुन चुड़ैल का किरदार दबा रही है। ये आपकी स्टेटमेंट थी? सरगुन चुड़ैल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मूवी में सरगुन चुड़ैल का कैरेक्टर। स्टेटमेंट भी थी तो आप बहुत क्लोज थे। नहीं नहीं, तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि यू नो आप दोनों ने पहले भी एक मूवी में काम कर चुके हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट होना, सो दैट वो ऑन स्क्रीन इम्पैक्ट करे? एक्चुअली क्या है कि देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब जब काम करना है, देखो एक्ट तो एक्ट है। आपको अगर बहुत लोगों के साथ हम काम करते हैं जिनको हम बिल्कुल ही नहीं जानते, बिल्कुल ही नहीं मिले होते, और जैसे कि सरगुन है या मैं हूँ, तो मेरे को बहुत टाइम हो गया, इनको भी अब बहुत टाइम हो गया है, तो अगर आपने नहीं भी काम किया है तब भी हम एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को पता लग जाता है कि नेचर कैसा है, इंडस्ट्री के सब नोन लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो इतना उसमें टफ नहीं होता। सिर्फ ऐसी फिल्मों में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जो मुझे ऐसा लगता है ऑलवेज कॉमेडी में, कि कॉमेडी में कई पंचेस, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद दूसरे, अगर आप कम जानते हो या इतना खुले नहीं हो, तो जैसे कहीं पे मान लो मेरे थप्पड़ मारना है या कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है, तो कई बार दूसरा एक्टर थोड़ा झिझकता है कि मैं कह दूँ सीधा या करूँ, या थोड़ा वो हो जाता है। अगर आप एक दूसरे को जानते हो, जैसे हम इसमें हैं, तो हम खुल के वो चीज़ें कर सकते हैं कि यार ऐसे इन्होंने मुझे इस फिल्म में कुत्ता बना दिया जैसे, है ना, एक जगह पे, तो वो इजीली चीज़ें हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्म तभी राइट बनती है अगर जो लिखा गया है वो एग्जैक्टली वैसे ही किया जाए, क्योंकि समहाउ क्या होता है कि जो राइटर लिखता है कई बार, तो बनने बनने में वो राइटर की कई बार फिल्म ही नहीं रहती, कुछ और बन जाती है। तो फिल्म उसी की होनी चाहिए जो उसने सोचा है, वैसे ही कंसीव होना चाहिए। तो वैसे ही अगर कंसीव होता है, तो उसमें अगर ये ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी, खुल के करेंगे काम, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सरगुन, आपके लिए डेफिनेटली, मतलब ऐसे बहुत सारे को एक्टर्स हैं जिनके साथ, मतलब नॉट दैट मेरी बनी नहीं, बट देर इज़ नॉट लाइक एनी अदर बॉन्ड एक्सेप्ट फॉर बींग जस्ट को एक्टर्स, बट उससे काम पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, आई डेफिनेटली फील कि अगर आपकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग अच्छी होती है ना, तो ऑन स्क्रीन जब आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, आप बहुत लिबर्टी ले लेते हो, एंड वो लिबर्टी में ज़्यादा केमिस्ट्री दिखती है, 100% दिखती है। बिकॉज कभी कभी कुछ लोगों के साथ, मतलब मुझे ऐसा ऑकवर्ड फील हो सकता है कि मैं कहूँ यार ना कर, क्योंकि मुझे बंदे को बुरा ही ना लग जाए, या आपके दिमाग में बैक ऑफ द हेड आपकी वो सब चीज़ें चल रही होती हैं, बट वेन यू आर विद दैट पर्सन, आपको पता नहीं यार ये भी सिर्फ यही कर रही है, मैं भी सिर्फ यही कर रहा हूँ, इसको पता है हम सीन के दायरे में रहकर कर रहे हैं, तो ना वो बुरा मानेगी ना कुछ वैसा होगा, सो दैट वेज इट बिकम्स मोर कम्फर्टेबल। मूवी के बारे में जानना चाहूँगी, कुछ ऐसा मैसेज है जो ऑडियंस लेगी इस फिल्म से? बिल्कुल लेगी जी, बिल्कुल लेगी। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम खास करके बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में, अब हम कहते हैं लड़का लड़की इक्वल हैं, हम ये हैं, फिर भी जब मजाक की बात आती है,
किसी को कुछ बोलने की बात आती है, तो ये आजकल मैं बहुत देखता हूँ, रील्स भी बहुत बनती हैं, टिकटॉक्स भी बहुत ये बनती हैं कि औरत को हम ऐसे बोलते हैं यार ये मेरे पीछे पड़ गई है, ये चुड़ैल की तरह मिल गई है, वो ये ऐसी है वैसे, मतलब बहुत से ह्यूमर वाले पंचेस बनते हैं जो कहीं ना कहीं कई औरतों को हो सकता है कि बुरे भी लगते हों, अगर क्योंकि बहुत से लोग इसको ह्यूमर में लेते हैं, कई लोगों को बुरा भी लगता है। सो बेसिकली ये फिल्म उसी थॉट से जनरेट हुई हुई फिल्म है कि एक जो आदमी है जो उसको हमेशा हर औरत को वो बोलता है ये चुड़ैलें होती हैं, ये ऐसी होती है, ये वैसी होती है, बला बला, तो वो जब उसकी ज़िंदगी में आती है, एक सच में चुड़ैल आती है, तो वो उसको बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब तू ही ठीक नहीं है, अगर चुड़ैल बन के दिखाएं तो तुझे पता चलेगा कि हम क्या कर सकती हैं। सो वी आर डूइंग दिस फॉर यू, हम अगर तेरे के साथ रियल में अटैच हैं तो तेरे को भी उस थॉट में लेना चाहिए, कई बार हम चीज़ों को लाइटली लेते हैं। सो एक्चुअली तो फिल्म क्या है कि हम कोई भी ह्यूमर की फिल्म बनाते हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है ये ऑलमोस्ट, तो एंड तो उसका एक जो जेन्युइन होना चाहिए, जो एक गुड मैसेज निकलना चाहिए, वो अदरवाइज फिल्म जस्टिफाई नहीं करती, वो तो डेफिनेटली है। और सगुन मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, यू नो यू आर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ चुड़ैल, तो कितना मज़ा आया वो करने में? बहुत मज़ा बहुत मज़ा आया, आई लव टू बी द चुड़ैल। एक्चुअली कैरेक्टर बहुत नॉटी मिस्चिवियस है ना, टिपिकल सॉम्बर वैसा कैरेक्टर नहीं है, लाउड है, फन है, गुस्सा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू प्ले इन द कैरेक्टर इन इटसेल्फ। और सबसे बेस्ट बात यह है कि वो दरवाज़ों से आती जाती नहीं है, एंट्री एग्जिट मैंने कभी भी दीवारों से, जगहों जगहों से लिया है मैंने। और मुझे ये भी समझ नहीं आई कि जहाँ जहाँ दरवाजे थे, जैसे ये दरवाजा है, दरवाजे से नहीं आ रही है, फिर भी लेफ्ट से आ रही है दीवार से, यहाँ तो था दरवाजे से आ जाए, खुला है दरवाजा। बट मेरे लिए दरवाजे मायने नहीं रखते ना, मेरे लिए ये भी दरवाजा है। He doesn't understand chudails. ये पता नहीं कब समझेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप दोनों ने काफ़ी समय तक काम किया, काफ़ी दो दो मूवीज़ में काम कर लिया है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि सगुन के बारे में आपको दो अच्छी बातें बतानी है और आपको किपी सर के बारे में। पता है I love interviews क्योंकि लोग इनसे randomly मेरे बारे में अच्छी बातें पूछते हैं, इनके पास ना भी हो तो इन्हें देनी पड़ेंगी। नहीं, दो अच्छी बातें यही है कि एक तो ये अच्छी एक्टर है, एवरीबडी नोज, और दूसरा ये है कि ये अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हैं, और शी लव टू डू, के मतलब ऐसा नहीं है, कई लोग काम पे आते हैं उनको ऐसा होता है कि काम पे आए हैं, मतलब ये इसलिए काम पे आती है क्योंकि उसको प्यार करती है, एंड उसके लिए कुछ भी हद तक जाती है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, एंड मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं पर्सनली, क्योंकि मैं उस नेचर का हूँ। तो मैंने पहले भी बोला कि ये मेरे गुरु टाइप हैं इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, क्योंकि इनकी सेंसिबिलिटी बहुत अच्छी है, ये काम भी उतने अच्छे से निभाते हैं, एक्टिंग भी, एंड आई थिंक पर्सनली जब मैंने इन्हें देखा था और जब आज देखते, तो आई सी सच अ ग्रोथ इन हिम, नॉट ओनली एज अ पर्सन, आई सी सच अ ग्रोथ इन हिम एज अ हीरो, क्योंकि आप इवॉल्व होते हो यू नो विद टाइम, आप जिस तरीके से दिखते हैं, आप जैसे ड्रेसअप होते हैं, आप जैसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, वो आई थिंक वो राइटर बने, वो डायरेक्टर बने, वो सब कुछ बने, तो उस सेंस में वो एज एन एक्टर भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए। एंड ऑन दी अदर हैंड आई थिंक बिजनेस वो करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ये बात मुझे भूलने की ज़रूरत नहीं है, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज़ कि वो घुन्ने बिजनेसमैन नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो कोई ट्रेड सीक्रेट अपने अंदर छुपा के रख रहे हैं। अगर मैं उनसे पूछूंगी कि ये कैसे करना है, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं इसको क्यों बताऊँ, वो मुझे बता देंगे, उनको लगेगा कि मैं इसको बताऊँगा, मैं और कुछ सीख लूँगा, लाइक इनकी पोटली में और बहुत कुछ है, जैसे जेब में होता है ना कि एक नया ट्रिक निकाल लेंगे अंदर से, ये ट्रिक निकाल लेंगे अगला वाला, ये मुझे अपना दे देंगे, सिखा देंगे। सो आई थिंक ये बहुत कम लोगों में होता है, एंड दैट इज डेफिनेटली समथिंग दैट ही हैज। जैसे कि इन्होंने बोला कि आप सब कुछ करते हो, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कुछ है ऐसा जो आप नहीं करना चाहते हो? नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आप करना चाहते हो, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी फिल्में हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ, बहुत से थॉट्स हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ, कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम अभी पंजाब इंडस्ट्री में अफोर्ड नहीं करते, कई जॉनर्स हैं कि जो प्रॉपर वर्क नहीं करते, लोग उनकी ऑडियंस कम है, सो डे बाय डे हम उसी जगह पे लगे हुए हैं कि हम ये ऑडियंस ग्रो करें, ऐसा हो कि कॉमेडी फिल्म आए वो भी चले, एक्शन फिल्म आए वो भी चले, ड्रामा फिल्म आए वो भी चले, सो वी बहुत से अटैम्प्ट्स हैं जो आई वॉन्ट टू डू दैट, तो सभी एक्चुअली जितने लोग पंजाबी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ये सभी चाहते हैं, सो सभी का एक ड्रीम है, तो उसी पे लगे हुए हैं। सगुन, ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, यू नो अगर हम आप, मैं जैसे इतना फॉलो करती हूँ आपको इंस्टाग्राम्स में, हर चीज़ कर रही होती हैं आप, यू नो सॉन्ग, डांस, अभी आपका वेहानिया भी इतना वायरल हो गया, तो कुछ है ऐसा जो अभी आप ट्राई करने वाले आगे जाके? जी मैं गायकी
गायकी को छोड़ के, सिंगिंग को छोड़ के कुछ और गाते रहते हैं ऑफ स्क्रीन भी एक कई बार गाते हैं बहुत एंड आई जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मजाक मजाक में एक दिन एल्बम आएगी, मेरा गाना बहुत बड़ा हिट हो जाएगा जो मैं गाऊंगी एंड मैं एक्चुअली जेन्युइनली अब मैं गाना चाहती हूं। वाओ, इट्स मोस्ट जेन्युइन। किन्नो गिप्पी, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, बहुत अच्छी बात कही थी आपने उसमें कि मैं ना जब कोई रोल करता हूँ या कोई सीन करता हूँ तो बहुत ध्यान रखता हूँ कि किस तरीके का मैं मूवी कर रहा हूँ या किस तरीके का फिल्म मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्राइटेरिया क्या होती है कोई भी फिल्म को करने से पहले और कोई भी फिल्म को। मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे का ना, आप जितना मर्जी कहो, आप जब फिल्म सुनते हो ना, कई सब्जेक्ट आपके दिल को लगते हैं, कई नहीं लगते। तो मेरा तो मतलब, और उसके लिए आपको पूरी फिल्म सुनने की भी ज़रूरत नहीं होती। कई बार आपको आइडिया हिट करता है, बंदा कहता है कि यार ये ठीक है, उसके बाद आप इन्वॉल्व हो जाओ। मतलब मेरा तो ऐसे है कि मैं अगर किसी फिल्म में होता हूँ तो मैं खुद बोलता हूँ कि यार ये भी ऐसे होना चाहिए, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो। कास्टिंग में भी हो जाते हैं सब जगह पे, क्योंकि आप फुली इन्वॉल्व होते हो, आप उस प्रोडक्ट से जुड़ जाते हो, है ना। क्योंकि आगे जाके एक फिल्म का मतलब है कि आपकी एक साल की मिनिमम जर्नी है ये, सो आप शुरू से लेकर एंड तक। तो वो इवन ये फिल्म भी जब मैंने ओके करी थी तो उन्होंने मुझे 5-7 मिनट की कहानी ऐसे बताई थी कि ये एक थॉट है। मुझे लगा यार ये अच्छा थॉट है, मतलब इसमें फिल्म बहुत अच्छी बन सकती है, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं और आई एम सो हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सगुन, यू नो वी हैव सीन यू सिंस योर जर्नी स्टार्ट से एकदम, यू नो यू हैव इवॉल्वड एज एन एक्टर, तो हाउ डू यू सी योर जर्नी अब? ऐसे अपना अपनी जर्नी पे कोई बर्ड्स आई व्यू नहीं होता ना किसी का। yes. अपनी जर्नी तो ऐसे लगती है कि हाँ यार बहुत स्ट्रगल करा, बहुत सबको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत स्ट्रगल करा और देखो आज हम क्या पा रहे हैं। एंड आई जस्ट फील कि मेरी जर्नी बहुत सिंपल है कि मैंने रोज़ सीखा, मैं अभी भी रोज़ सीख रही हूँ। अभी भी वो मुकाम पे नहीं हूँ जो मैंने सोचा था, आई एम क्लोजर टू इट, वे क्लोजर टू इट, बट आई स्टिल हैवन गॉट देयर, सो आई एम स्टिल लर्निंग एंड गेटिंग देयर। बट यू नो अगर मैं पंजाबी इंडस्ट्री की बात करूँ, कहीं ना कहीं पंजाबी इंडस्ट्री इज़ रूलिंग और लोग देखना पसंद कर रहे हैं और गाने भी पता कर रहे हैं। हाउ डू यू गाइस सी कि कहाँ है और कमिंग ईयर्स में कहाँ रहने वाला है पंजाबी इंडस्ट्री? अगर तो लास्ट 10 साल के हिसाब से देखो तो बहुत बड़ी ग्रोथ है। मतलब अगर मैं बोलूं कि 10 साल में देखो तो 100% ग्रोथ है। अगर किसी इंडस्ट्री में 10-20-50% ग्रोथ हुई है तो इसमें तो 100 से भी ऊपर हुई है। मतलब हम कहाँ सोचते थे 1.5-2 करोड़ में फिल्म बन जाती थी, आज कितने कितने पैसा मांग रहे हैं हीरो हीरोइन, लड़कियाँ लड़के, करेक्टर आर्टिस्ट। मुझे लगता है जितने महंगे करेक्टर आर्टिस्ट पंजाबी में या हिंदी में भी नहीं है। सो मतलब फिल्में बड़ी बनने लगी हैं, फिल्में प्रमोट होने लगी हैं। बॉम्बे में हमें होता था कि यार हमारी फिल्म बॉम्बे में रिलीज़ होएगी, मतलब सोचा ही नहीं था। मुझे याद है पहली कैरी ऑन जट्टा जब दिल्ली में रिलीज़ हुई थी तो हम इतने खुश थे कि यार दिल्ली हो रही है। एक आधा सिनेमा यहाँ पर लगा था, यार बॉम्बे भी लग गया एक सिनेमा, ये हो गया वो हो गया। मतलब अब हमें ये होता है कि मतलब यार बिजनेस ऐसे होना चाहिए, हम ये करें हम वो करें। चेन्नई तक पहुंच गए, साउथ तक पहुंच गए, सब कंट्रीज़ में पहुंच गए। 40-42 कंट्रीज़ में फिल्में रिलीज़ होने लगी हैं पंजाबी की। सो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो हमारे लिए मुझे लगता है कि जो इस जोन में काम कर रहे हैं, अभी वाला जो सेक्टर है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहे हैं, बाकी एक्टर काम कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है पंजाबी सिनेमा का, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी ग्रोथ है। इससे सबसे बड़ी ग्रोथ है, क्योंकि हो सकता है कि आगे 10 साल तक हम बहुत एक्सपेंड हो जाए, फिर एक लिमिट हो जाती है कि अब तो यार आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ेगी। जैसे बॉलीवुड पहले से ही बहुत बड़ा है तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता हर बार थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो अभी ये वाला पार्ट बहुत सॉलिड तरीके से ग्रो हुआ। डेफिनेटली बट देन इन द लास्ट 10 ईयर्स अगर आप नंबर ऑफ फिल्म्स भी देखोगे ना, तो तब 6 बनती थी, अब 60-70 फिल्म्स बन रही हैं। इसका मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में पैसा आया है, उस पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री में पैसा आया। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंटली नाउ आर फिल्म्स आर टचिंग द नंबर्स जो किसी टाइम पे बॉलीवुड फिल्म के लिए भी बहुत बड़ा नंबर होता था। हम कहते थे अरे यार बॉलीवुड फिल्म ने 100 करोड़ कर लिया, वो इंडस्ट्री बॉलीवुड ने वो पता नहीं कितने साल बाद किया, एंड पंजाबी इंडस्ट्री इज़ डन इट इन 10 ईयर्स, विच शोज़ दैट देर इज़ ग्रेट पोटेंशियल। एंड आई फील पंजाबी एज अ लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी क्लोज टू हिंदी, है ना। तो आपको हाँ बहुत ठेठ पंजाबी के कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे, बट आपको विजुअली अंडरस्टैंडिंग वाइज आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंड लास्टली आई फील कि जैसी कॉमेडी, ह्यूमर एंड फैमिली एंटरटेनर पंजाब बनाता है वो कोई और नहीं बनाता, बिकॉज हम एक ऑल इनकम्पसिंग फिल्म बनाते हैं, बिकॉज हमें भी पता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत क्लीन फैमिली एंटरटेनर ही देखती है, वो अपने बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ जाते हैं, एंड वी कैन नॉट डिसअपॉइंट दैम। तो हम उस चीज़ को अपने दिमाग में रख के फिल्म बनाते हैं। सो आई फील दैट नो मैटर वेयर यू गो इन इंडिया, इफ़ यू हैव टू गो फॉर अ
all happy family film without giving a thought, you will go for hours. Yes. Before I end, I want to ask, you know, fans ka ye sawal hamesha rehta hai aapse ki when you're coming back, is there any chance to coming back into industry, television industry? हम प्रोड्यूस तो इतना कुछ कर रहे हैं, यू नेवर नो, नेवर से नेवर. ग्रेट. आई वुड लाइक टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन. उससे पहले मैं आपको इस फिल्म के बारे में आप दोनों से जानना चाहूँगी कि ऑडियंस की वजह और इस फिल्म के बारे में. अच्छी फिल्म बनाई है जी, आपके लिए बनाई है, और हमें लगता है कि आप इस फिल्म को खूब इंजॉय करोगे. और जेन्युइनली मतलब मुझे लगता है कि आज तक की सबसे अच्छी और फाइन फिल्म होनी चाहिए. और ये सब्जेक्ट हमने कभी टच नहीं किया. सो वेरी, आपको कॉमेडी जॉनर हमारा पसंद है, बट ये अलग तरीके से आपको हंसाने की कोशिश की है. एंड वी आर सो एक्साइटेड फॉर द फिल्म. आप जाएं और देखें. हाय, दिस इज गिप्पी गरेवाल. हाय, दिस इज सरगुन मेहता, एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन बॉलीवुड नाउ. थैंक यू.